चीनी सीमा विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका गया और इसी के साथ चीन मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। भारत चीन सीमा विवाद पर लद्दाख के गलवान घाटी में 20 भारतीय जवान शहीद होने पर यूपी के जिला बलरामपुर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला बनाकर चप्पल जूतों की माला पहनाकर पूरे शहर में घुमाया और चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही चीनी सामान का बहिष्कार करने का भी लोगों से आग्रह किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंक कर डंडों और चप्पलों से पीटते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को धोखेबाज, चीन ड्रैगन को चालबाज कहा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने बताया कि कोरोना महामारी में 3 महीने से कोविड-19 को छुपाकर पूरी दुनिया को तबाह करने का काम चीन ने किया और अब भारत चीन की सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों को हथियार ले जाना मना है, लेकिन ड्रैगन के चीनी सैनिक अपनी खुकरी छुपाकर ले जाकर भारतीय जवानों पर हमला कर दिया जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और इसके लिए हम सब मोदी सरकार के साथ हैं। चीन के राष्ट्रपति हमेशा झूठ बोलते आए हैं, जैसा कि आपने देखा है कि कोरोना वायरस और 3 महीने के अंदर पूरे विश्व में ये कोरोना वायरस अपना पैर जमा लिया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब सीमा समझौता हो गया है एक बार 1962 के उसमें कि जिसकी सेना जैसे हैं वो निहत्था ही रहेंगे और किसी पे किसी तरह का आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन चीनी सेना ने धोखा दिया। चीनी सेना हमारे नौजवानों के ऊपर हमारे सीमा में घुस करके और उन पे अटैक कर दिया। हमारे जो सेना थे वो निहत्थे थे। इनके पास एक खुखरी कहा जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चीनी सेना अपने जैकेट में छुपा के रखे थे और हमारे सेनाओं के सीनों में घोप दिया। ये उनकी चाल थी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि चीन के राष्ट्रपति जो एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक देश के एक राष्ट्रपति हैं, उनके अंदर अगर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने देश के सैनिक पे जो है अपना प्रभाव रख सके तो इससे निंदनीय क्या हो सकता है।